नमस्कार। किन्नौर आज तक के पेज पर मैं निवाड़ी से वरिष्ठ साहित्यकार अंजनी कुमार चतुर्वेदी श्रीकांत आपके समक्ष अपना काव्य पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। आज मैं आप सभी के सम्मुख अपनी काव्य रचनाएं लेकर उपस्थित हूँ। मेरा काव्य पाठ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। सर्वप्रथम भगवान गणेश की स्तुति आपके समक्ष प्रस्तुत है, जो मेरी स्वरचित रचना है। माँ शारदे के चरणों में शीश झुकाते हुए मैं सर्वप्रथम देवादिदेव महाराज गणपति जी के चरणों में सादर नमन करता हूँ और अपने काव्य पाठ का प्रारंभ गणेश जी की वंदना से आपके समक्ष करता हूँ। प्रथम पूज्य मंगल करते हैं श्री गणपति महाराज, प्रथम पूज्य मंगल करते हैं श्री गणपति महाराज, गौरी पुत्र गजानन स्वामी देवों के सरताज, गौरी पुत्र गजानन स्वामी देवों के सरताज। महादेव के पुत्र कहाते, महादेव के पुत्र कहाते और सड़ानंद भ्राता, जो भी शरण तुम्हारी आता जन्म सफल हो जाता, जो भी शरण तुम्हारी आता जन्म सफल हो जाता। रिद्धि सिद्धि प्राणों से प्यारी मंगल ही करती हैं, दीन दुखी सबके जीवन में खुशियां ही भरती हैं, दीन दुखी सबके जीवन में खुशियां ही भरती हैं। मूसक पर तुम सदा विराजित सदा सुमंगल करते, रिद्धि सिद्धि सबके जीवन में श्री गणेश जी भरते, रिद्धि सिद्धि सबके जीवन में श्री गणेश जी भरते। विद्या के सागर गणेश जी, विद्या के सागर गणेश जी बुद्धि प्रदाता स्वामी, सबके मन की आप जानते तुम हो अंतर्यामी, सबके मन की आप जानते तुम हो अंतर्यामी। दूब फूल में वा चढ़ता है रोली अक्षत न्यारा, दूब फूल में वा चढ़ता है रोली अक्षत न्यारा, पार्वती शिव कार्तिक के संग है दरबार प्यारा, पार्वती कार्तिक के संग है दरबार प्यारा। मोदक का प्रसाद चढ़ता है, मोदक का प्रसाद चढ़ता है चढ़े देव को मेवा, सारे काम सफल होते हैं जो जन करते सेवा, सारे काम सफल होते हैं जो जन करते सेवा। मोदक से मधुमेह उपजता श्री गणेश जी जाने, चढ़ता है कपित्थ अरुजंबू है मधुमेह भगाने, चढ़ता है कपित्थ अरुजंबू है मधुमेह भगाने। वैदिक में विज्ञान समाया गणपति की है पूजा, वैदिक में विज्ञान समाया गणपति की है पूजा। सदा सर्वदा मंगल करता और देव ना दूजा, सदा सर्वदा मंगल करता और देव ना दूजा। अनुनय विनय हमारी प्रभु जी, अनुनय विनय हमारी प्रभु जी, चरण शरण की सेवा विघ्न मुक्त हो जाए दुनिया, नमन गजानन देवा विघ्न मुक्त हो जाए दुनिया, सदा गजानन देवा। श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अब मैं आपके सामने अपनी एक प्यारी सी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। आदमी या तो अमीर होता है या गरीब होता है, इसी भाव को लेकर मैंने अमीरी और गरीबी पर एक रचना लिखी है, आपके सम्मुख प्रस्तुत है। प्रभु का यह वरदान सुखद है जिसको मिली अमीरी, प्रभु का यह वरदान सुखद है जिसको मिली अमीरी, जो निर्लेप सदा ही धन से जिनको याद जमीरी, जो निर्लेप सदा ही धन से जिनको याद जमीरी। परेशान जो धन से टूटे जिनको मिली गरीबी, परेशान जो धन से टूटे जिनको मिली गरीबी, ऐसे दीन जनों से होती किसकी भला करीबी, ऐसे दीन जनों से होती किसकी भला करीबी।
सदा अमीरी और गरीबी रहती आती जाती, हे अभिशाप गरीबी अब भी नहीं किसी को भाती, हे अभिशाप गरीबी अब भी नहीं किसी को भाती। जब सौभाग्य उदय होता है धन वैभव मिलता है, जब सौभाग्य उदय होता है धन वैभव मिलता है, धन संपदा प्राप्त कर मानव का मुखड़ा खिलता है, धन संपदा प्राप्त कर मानव का मुखड़ा खिलता है। जिस घर करे गरीबी डेरा कोई पास ना आता, जिस घर करे गरीबी डेरा कोई पास ना आता, बिना लक्ष्मी के दुनिया में कोई कुछ ना पाता, बिना लक्ष्मी के दुनिया में कोई कुछ ना पाता। दे दो मौत विधाता लेकिन, दे दो मौत विधाता लेकिन देना नहीं गरीबी, निर्धन का सारी दुनिया में कोई नहीं करीबी, निर्धन का सारी दुनिया में कोई नहीं करीबी। वो है बदनसीब दुनिया में जिनसे लक्ष्मी रूठी, वो है बदनसीब दुनिया में जिनसे लक्ष्मी रूठी, उसको सारी दुनिया लगती सदा सर्वदा झूठी, उसको सारी दुनिया लगती सदा सर्वदा झूठी। जितने हैं धनवान जगत में, जितने हैं धनवान जगत में प्रासादों में रहते, इनके घर में रुपया देखो बस पानी से बहते, जिनके घर में रुपया देखो बस पानी से बहते। मिटे गरीबी और अमीरे के अंतर की खाई, मिटे गरीबी और अमीरी के अंतर की खाई, शारद माँ की कृपा हुई तब कलम व्यथा लिख पाई, शारद माँ की कृपा हुई तब कलम व्यथा लिख पाई। करूं विनय लक्ष्मी माता से, करूं विनय लक्ष्मी माता से सबके घर में आना, रहे ना अब दरिद्रता भू पर जड़ से इसे मिटाना, रहे ना अब दरिद्रता भू पर जड़ से इसे मिटाना, जड़ से इसे मिटाना। और अब लक्ष्मी माता से विनय गरीबी हटाने की, और इसके पश्चात कल गुरुवार को पूरे भारतवर्ष में करवा चौथ का पर्व मनाया गया। इस करवा चौथ के पर्व पर मैंने अपने विचार कलम से बांधे हैं और इन विचारों को कविता का रूप देकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी करवा चौथ पर लिखी कविता का शीर्षक है रहे सलामत मेरा सजना। भारतीय नारियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करने के उद्देश्य से भगवान गणेश शिव पार्वती का पूजन करती हैं और चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ती हैं। इन्हीं सब भावनाओं को समेटते हुए मेरी कविता आपके सम्मुख प्रस्तुत है। मुझे पटल पर जो भी महान भाव सुन रहे हैं अपना कीमती समय देने के लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अब आपके सम्मुख मेरी रचना रहे सलामत मेरा सजना प्रस्तुत है। सारे भारत के नर नारी करवा चौथ मनाते, सारे भारत के नर नारी करवा चौथ मनाते, अपनी ही अपने ही अपनों से मिलकर अपना उन्हें बनाते, अपने ही अपनों से मिलकर अपना उन्हें बनाते। पार्वती शिव और गजानन, पार्वती शिव और गजानन की पूजा होती है, चौथ तिथि को पूज सुहागिन सारे दुख खोती है, चौथ तिथि को पूज सुहागन सारे दुख खोती है। उत्तम पति की आस हृदय रख कन्याएं व्रत करती, उत्तम पति की आस हृदय रख कन्याएं व्रत करती, सारे सुख सौभाग्य प्राप्ति की मन में आशा भरती, सारे सुख सौभाग्य प्राप्ति की मन में आशा भरती। निराहाल निराहार निर्जल व्रत रखकर सुंदर रूप सजाती, दीर्घायु हो सजन हमारे प्रभु से खैर मनाती।